हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री स्वामी नारायण। आज हम चैप्टर 6 बोल अनमोल वो समझेंगे। तो हमने थोड़ा सा समझ लिया था, इसमें ससांग है, उसकी किराने की एक दुकान है और गांव में दूसरी इनके जैसी किसी की भी दुकान नहीं है, इसीलिए उसकी आय यानी आवक भी अच्छी होती है और उसे सामान लेने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। और एक बार वो सामान लेने के लिए जब वो दूसरे शहर में जाता है तब अंधेरा हो जाता है और वो रुकने का कोई जगह ढूंढता है। वहाँ इस हमने इतना देखा था, इसके बाद का हम आज करने वाले हैं। तो उसको एक झोपड़ी नजर आ रही थी, है ना। यहाँ पे देखो फोटो में दी गई है, ये है झोपड़ी। झोपड़ी के पास पहुंचकर शशांक ने देखा कि उस झोपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है, यहाँ पे देखो, है ना, और एक वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा है। क्योंकि बहुत ठंड थी इसलिए वृद्ध व्यक्ति है वो झोपड़ी के बाहर आग में बैठा है। शशांक को लगा कि उसे भी अलाव के पास जाकर अपने शरीर को गर्माहट देनी चाहिए, मतलब कि वो भी आग के पास जाए। यदि ऐसा नहीं किया तो ठंड से हाथ पांव अकड़ सकते, क्योंकि बहुत ठंड थी इसीलिए ऐसा होता है। जब बहुत ठंड होती है तो हमारे हाथ पांव है वो अकड़ जाते हैं। शशांक ने उस वृद्ध पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ। क्या कहा? मैं इस इलाके का एक दुकानदार हूँ, मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। वो कह रहा है कि मुझे भी बैठना है। आग ताप रहे उस वृद्ध ने शशांक की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी, मतलब कि वो उनकी बात से सहमत नहीं था। उसने शशांक को न बैठने को कहा न वहाँ से चले जाने को। शशांक को लगा कि अब उसे इसी ठंड में घर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वृद्ध है उसने शशांक को कुछ भी नहीं बोला। थोड़ा आगे जाने के बाद वह कुछ सोचकर वापस लौटा और विनीत स्वर में बोला, बाबा मैं ठंड से कांप रहा हूँ, मुझ पर दया करें। क्या बोले? मैं ठंड से कांप रहा हूँ, मुझ पर थोड़ी दया कर दो, मुझे अलाव के पास बैठने दे ताकि मैं अपने आप को इस ठंड से बचा सकूँ, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। शशांक के बोल उस वृद्ध को भा गए। अब वो वृद्ध है उसको थोड़ा सा ऐसा लगा, उसने शशांक को अलाव के पास न केवल बैठने दिया बल्कि उसे चाय भी बनाकर पिलाई। मतलब कि ये जो वृद्ध है उसे उसने पहले तो जवाब नहीं दिया, फिर ये जो दुकानदार है शशांक उसने ऐसा बोला कि मुझ पर थोड़ी दया करो, तब वो जो वृद्ध है उसने बैठने दिया और चाय भी बनाकर पिलाई। शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए कहा, बाबा मुझे क्षमा कर दिए, मैंने पहले अपने घमंड में आपसे ठीक से बात नहीं की थी, शायद इसलिए आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। क्योंकि उसने ऐसा बोला था ना, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ, ऐसा कोई भी भला बोलता है? नहीं बोलना चाहिए ना, इसलिए शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को नसीहत देते हुए कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना, वे सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे इस पर भी विचार जरूर करना। मतलब कि कभी कभी ऐसा हो जाता है हम बिना सोचे कुछ भी बोल लेते हैं तो दूसरों पर बुरा असर पड़ सकता है। मतलब कि हमें जो भी बोलना है वो सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, यानी किसी को भी बुरा ना लगे। हमें इस चैप्टर में से क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी कुछ भी बोलना हो तो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, है ना। चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। किराने की दुकान, जहाँ दाल चावल आदि घरेलू सामान मिलता है वो है किराने की दुकान। उसके बाद अलाव यानी तापने के लिए जलाई हुई आग, ये
अनसुनी यानी ध्यान न देना, आय यानी आमदनी, प्रभाव यानी असर, वृद्ध यानी बूढ़ा, ये है ना बूढ़ा व्यक्ति वो, नसीहत यानी सीख। ये जो शब्दार्थ है वो आपको अच्छे अक्षर से नोटबुक में लिखने हैं और ऊपर हेडिंग चैप्टर का नाम लिखना है, ठीक है।